तुम कितने दिन हुए अपने को मिलके गायकी तो भी कर पा रहे तुम। थोड़ा मेरी तकलीफ का ख्याल करो, थोड़ा मेरी तकलीफ का ख्याल करो, गायकू तो भी कर पा रहे तुम। ना मैसेज करके ना फोन उठा रहे तुम, बाहर मिलने के नाम तक ना ले रहे, तुम्हारे नखरे देख के लग रहा होना बोल के सता रहे तुम। पढ़ना भी आपको तो कभी होना चाहिए। कभी तो है हम, और भान भी क्या ऐसा लिखती है। अभी लाइन सुन, मेरे को और चढ़ा को रखो, दिल को और जला को रखो, मेरे को और चढ़ा को रखो, दिल को और जला को रखो। हरी पीली ड्रामे करके क्या तारे गली पे दिखा रहे हमको। कैसे भाई पन्ना जी खुश कर दिया। पन्ना जी चला दौड़ते है अंक का मजा भी अलग होता है। ये रात बहुत की थी ले आहा पीले बम बोले का प्रसाद। बोल 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 बम बम बोले कैसी रही। बहुत बढ़िया पंडा जी, मजा आ गया। मजा आ गया गुरु। एक बात तो है, जब भंग चढ़ जाए ना तो अपना अलग ही मजा दिखाती है। सही बात पंडा जी, सही बात। अच्छा जल्दी मिले, अरे कान को भी निकलना है। एक और बात लिखा, वाह पंडा जी वाह। कैसी रही। बहुत बढ़िया। अभी पी ले जरा। अरे कल की भंग ने ऐसा रंग दिखाया, पता हमें क्या लगा। क्या लगा। हमें लगा हम चीन को फतेह करके प्लेन में बैठे आ रहे हैं ऐसे करके। और जैसे ही हमारा घर आया हमने प्लेन वाले को कहा प्लेन यही बोलते उसने प्लेन रोका नहीं। हमने उसे कान के नीचे क्या लगा के खेल ले। अरे भाई हम तो गाड़ी सुना रहे। फिर क्या हुआ, जैसे ही हमारा घर आया हमने प्लेन रुकाया और वहीं से सीधा नीचे कूद पड़े। तो अंडा जी प्लेन से कूदा और कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। देख पंडा जी की किस्मत बड़ी तेज है। कल हमारे पंडित जी मिले थे, उन्होंने कहा पंडा जी आपकी किस्मत बड़ी तेज है, अगर आपके सामने बम भी फूट जाए ना तो आपको कुछ नहीं होगा। नदी क्या किस्मत लेके आए आप तो। देख ले भाई पंडा जी हमारी भी सुन लो। सुना कल पता क्या हुआ। क्या हुआ। रंग के रंग ने तक कमाल कर दिया जी। रंग के रंग ने ना कमाल कर दिया। कमाल कर दिया। जहाज होता है जहाज ऊपर उड़ता है, रेल की पटरी में चढ़ रहा था। जहाज रेल की पटरी में चल रहे थे। अच्छा रेल है ना रेल। जहाज की तरह ऊपर उठ रहा था। क्या बात कर रहे सब तो। और हम घूमे जा रहे घूमे जा रहे घूमे जा रहे। ये बंद पी के पॉसिबल हो पाएगा। सही बात पंडा जी, सही बात एकदम सही बात। किसी बात पे ना एक शेरों शेरी भी होते हैं। हाँ पंडा जी सही बात। साधु पीवे संता पीवे, और फरमाइएगा साधु पीवे संता पीवे। वाह 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 वाह। पीवे किशन कन्हैया। वाह वाह वाह। जो भक्ति करे बुराई उसकी कर दो डंडों से पिटाई। पिटैया घराली माती जो खाना रोज भांग पी के खाना है ना। घर का सामान बेच दे, बिस्तर बेच दे, अलमारी बेच दे, घर के कपड़े भी बेच दे और ले आ अंकल लौटा। ये जो सत्तो भंग है ना ये हमारे लिए रबड़ी और मलाई की तरह है। रबड़ी और मलाई अरे मेरी किस्मत। क्या फूट गई तेरी किस्मत। मैं फूटा तुम्हारी और तुम्हारा बाप भी। बाप का नहीं जाएगा जिसके भंग के लोटे में भंग पीता है छेद करता है, जिस थाली में खाना खाता है उसमें छेद करता है। अरे जाओ तुम्हारी थाली में खाना कौन खाता है। बीबी की तो चवन्नी चवन्नी जमा हुए सारे भंग के लोटे में उड़ा देता। खबर बोल ऐसा बोल
भाई चाइना दो मिनट में पूरा मयूरिया खरीद लेगा। अरे मैं बेचूंगा तब ना। बेचेगा तेरा बापी। बापे बेचारा। हमारे बाप तक पहुंचा था कुछ नहीं था, हम इसके बाप तक पहुंचे तो मेरी लग गई। अरे बात सुन दोस्तों, बाप का मत जाना। अरे जब देखो लड़ते रहते हो, लड़ाई में कुछ नहीं रखा, 20 दफा समझा चुकी हूँ कि नशेबाजी छोड़ दो, लेकिन ये माने ही ना। अरे भगवान, इन लोगों से मेरा पीछा छुड़ाओ, मुझे उठा लो। सवेरे सवेरे उस छोरे को और पिला दी, वो पीछे होना पड़ा है। डॉक्टर को खबर करी या नहीं? ये मेरी बीवी जब भी भंग पीते रोज आ जाती है, इसको लगता है तो भंग बड़ी खुशी से पीते है। अरे इतनी कड़वी होती है, पी के दिखाए मूड। पर ये क्या जाने, जब दो लोग बड़े लोग बात कर रहे हो आपस में तो घर वालियों को बीच में नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। ये लोग इन्हें अच्छी बात कौन सा है उसके बतावे। 20 दफा समझा चुकी हूँ, लेकिन इन लोग के भेजे में नहीं कुछ, सब जानते हैं भेज भेज होते हैं कुछ भ्रष्ट रंग का रंग से एक बार चढ़ गया तो कभी ना उतरे। अरे ना उतरे तो कसीर फूटे, ये सब तेरे कर्मों का नतीजा है, तूने ही बिगाड़ा है इन्हें। और ऊपर से तुझे अभी बात कर रहा है, अरे खुद के घर में आग लगे हैं तो मालूम पड़े हैं, दूसरे के घर में आग लगते हुए तो कोई भी आप देखने आ जाओ। बस परी, हम फल पीते अपनी मर्जी से पीते, अपने पैसे की पीते हैं, उससे मां के पीते हैं क्या? डॉक्टर ने सुबह खबर करनी थी 6 बजे, रात में होंगे। अरे सुबह करी थी, अब तो 8 बज रहे हैं। अरे टाइम क्या हो गया, जल्दी आओ। नहीं नहीं, बंदा जी अभी 8 बजे, सुबह 6 बजे बैठे, 8 बजे आते होंगे, आते होंगे। लोग यहीं रहो, मैं ही जाती हूँ बुलाने। अगर इतनी पड़ी है तो ये सोचती है कोई काम धंधा नहीं करता, हम लोग पीते रहते। अरे बच्चा दे रहा है, पिलाई थोड़ी है उसको, सुबह हल्का सर में दर्द हो रहा है। आया कहते डेडी अंकल नमस्ते, आया अंकल, वो आपका लड़का है ना किशन, किशन वो पीछे ना उल्टी उल्टी कर रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है उसको। वो मस्त है, मस्त है वो ना, ऐसे 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 और बार बार गिरे जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। अंकल सुबह उसे ने थोड़ी दवाई मिलाई थी, दवाई बस कौन सी दवाई अंकल जी? दवाई अंकल जी कुछ होगा तो नहीं बेटा? बेटा कुछ नहीं होगा, लेकिन 100 रुपए मिलाएंगे अंकल। मेरी बीवी को बताइए, आंटी को नहीं पता? आंटी को नहीं बताना, अपने घर में भी नहीं। अंकल वैसे है क्या चीज है? बेटा ये है शंकर का प्रसाद। अच्छा भोले बाबा का प्रसाद? भोले बाबा का। अंकल जी मेरे पापा उसके भी ना सुबह पूजा करते हैं भोले बाबा की, और मेरी मम्मी भी करती है। बेटा मेरा पीजा अंकल कुछ होएगा तो नहीं? ना भोले बाबा का प्रसाद है पीजा अंकल, कुछ छच्ची में नहीं होएगा? अंकल बहुत कड़वा है बेटा, दवाई तो कड़वी होती है, मीठी थोड़ी होती है। अंकल जी बहुत ज्यादा कड़वा है ये, बेटा कड़वी है तभी तो असर दिखाएगी। पी लो अंकल, पी ले भैया। बेटा भारी में भी नहीं है, थोड़ी भी नहीं है, इसका असर थोड़ी होती है। अंकल सब अच्छा अच्छा लग रहा है, अंकल आप घूम क्यों रहे हो? बेटा हमें भी दवाई चढ़ी हुई है। ये दवाई है आपको कह लेते भोले भगवान का प्रसाद है। हाँ वही भोले भगवान का प्रसाद है। मेरा प्रसाद कैसा लगा अंकल? अच्छा लगा, मेरे को ना गाना सुनने का मन कर रहा है, मेरे को कोई गाना सुनाओ अंकल। मुझे गाना सुनने का मन है, नाचूंगा। तू नाचेगा? अंकल मैं नाचूंगा। चलो इसे डांस सिखाए। हाँ अंकल सिखाए ना। अच्छा ठीक है, तू पहले ना ऋतिक रोशन लगा। अंकल वो जो अंकल वो जो ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे उनका नाम ऋतिक अंकल है। ऋतिक अंकल हमारे गांव से है। आपके गांव से? पहाड़ों से। पहाड़ों से? पुणे। अच्छा पहाड़ों से। अच्छा अंकल जी मेरे को उनका ही सीखना है। ठीक है शुरू हो जा अंकल जी, गाना तो गाओ। टिंग 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 टिं
आगे बेटा आगे। अंकल अंकल वो नया वाला सुनाओ ना, वो जो अभी अभी आया है वो मैंने टीवी पे सुना था। चलो 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 अंकल वाला सुनाओ मेरे को प्लीज अंकल, ते तो सुनाना पड़ेगा बेटा। शाहरुख खान जब मैं गाँव से पहाड़ों से वो नीचे वाले पहाड़ से ना नीचे वाले पहाड़ से अंकल तो फिर तो सुनाना पड़ेगा ना तुमको आपको। अंकल सुनाओ प्लीज। ठीक है मेरा देख सुन। हाँ वो पहाड़ों में ना प्लेटें मांझा करते थे। प्लेटें मांझा करते थे तभी तो एक्शन में ना चम्मच भी होते मैं भी बोलूं अंकल। यू आर माय चम्मच चलो चम्मच साफ चम्मच साफ। अंकल अंकल ओ तो ये यहाँ क्या हो रहा है? नमस्ते चाचा जी। चाचा जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। आपकी तारीख? तारीख है आज 4 सितंबर। सही है 4 तारीख है। अरे भाई साहब मैं आपका नाम पूछ रहा हूँ। जमीन तारीख। अरे तारीफ हमारी क्या? तारीफ उस सुना की जिसने हमें बनाया। वाह बेटा जी वाह। अरे मैं आपका नाम पूछ रहा हूँ भाई साहब। नाम? हमारा नाम, हमारा नाम पंडा सिंह। पंडा सिंह? पंडा जी जी क्या शिकायत हो गई बच्चे को? बच्चे को क्या शिकायत हो गई तुम्हारे? बच्चे सुबह अच्छा खासा स्कूल गया था। स्कूल गया था? अभी आता होगा। तो मेरे गली के बच्चों की बात कर रहे हैं? बच्चों की बात कर रहे हैं? सारे बच्चे ठीक है? ठीक है। अरे पंडा जी मैं आपके बच्चे की बात कर रहा हूँ। क्या हो गया मेरे बच्चे को? अरे आपकी भाई भाई थी गोरी, गोरी उन्होंने मुझे बोला कि मेरा बच्चा बेहोश पड़ा है, मेरे पति ने उसको भांग पिला दी है। गलत 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 बोल रही है। हम ऐसे क्यों करेंगे? हम ऐसे क्यों करेंगे? वो ना दरअसल डॉक्टर हुआ क्या सुबह आया कहते हैं पापा पापा सर में दर्द हो रहा है। पापा पापा सर में दर्द हो रहा है? हाँ तो हम ये पी रहे थे दवाई अपनी तो उसे थोड़ी सी पी ली गलती से। अब बताओ क्या करें? भीख मांगोगे? भीख है भांग पी पी के सत्यानाश कर दिया है घर का। देखिए जी बच्चे को देखभाल के देखना चाहिए, लड़का वहां पर बेहोश पड़ा है। अच्छा सुने मेरी बात। क्या मेरा पेन बच्चों से? नहीं नहीं रखो रखो मेरे पास है। कौन है पेन? ये आपके बच्चे के बेहोश पड़ा है ना? जी हाँ। तो मैं आपको आपको दवा और इंजेक्शन लिख देता हूँ। ठीक है ठीक है। लिखिए आप बाहर जाइए और ये दवा और इंजेक्शन लेकर आइए। आइए ये पैन तो दे दीजिए। ये सब तो समझ नहीं आ रहा बंगाली बंगाली में लिखा। डॉक्टर साहब हमको तो हिंदी आती बंगाली नहीं आती, हिंदी में लिखो। जैसे इंसान है। अरे पंडा जी ये हिंदी में ही लिखा है, इसे सीधा तो पकड़ो। डॉक्टर साहब उल्टा करके देते हो कह रहे हो ठीक है हम लेके आते हैं। ये कितने की आएगी ये दवाई? 500 से 600 के बीच में। 500 से 600 के बीच? डॉक्टर ठीक ही बताओ 500 या 600? 550। 550 सबको इलाज है। पंडा जी मेरे पास तो चवन्नी भी नहीं है। चवन्नी नहीं चाहिए 500 रुपये चाहिए। मेरे पास भी नहीं है उधर की। डॉक्टर साहब एक काम करेंगे। क्या हो पंडा जी? हमें आप 600 रुपये उधार दे दो, हम कल आपको दे देंगे। भाई बोर्ड प्रॉमिस प्रॉमिस। अरे 600 रुपये की दे दूं मैं? दवाई लानी है ना। अरे बड़े कमाल के आदमी है, बच्चे की हालत खराब होती जा रही है और आपको भांग घोटने की पड़ी है। अब बच्चे की हालत खराब है तो मैं पैसे दे ही देता हूँ, उनके पास तो है नहीं। गिल नहीं है पीछे
200, 300, 400, 500, 600 ये लो 600, 550 की दवाई आएगी और 50 रुपए मुझे लाकर देना, या फिर एक काम कीजिएगा 50 रुपए का बच्चे को जूस पिला देना, ठीक है डॉक्टर साहब, और मेरे क्लिनिक में 600 रुपए आके देना, ठीक है अभी ले जा रहे हैं। 600 रुपए अन्ना जी, 6 दिन का जुगाड़ बनिया। एक काम करते हैं, हरिद्वार चलते हैं, नदी के आगे बैठ के पियेंगे घोट घोट के, मजा आया पंडा जी, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, पहले बनाते हैं अन्ना जी, एक तरकीब है मेरे दिमाग में, सुनाओ। सुना एक सलाह और लेनी है, क्या सलाह लेनी है डॉक्टर साहब? यहाँ पे ना हल्का का दर्द होता है, इधर घुटनों में, घुटनों में दर्द होता है? हाँ जी, इसके भी और मेरे भी, दोनों भी होता है? दोनों को होता है जी। ओहो, तो मैं उनकी बात सारी समझ गया, ये इन पैसों की भांग घोटेंगे, अभी मैं इनको बेवकूफ बना दूंगा। अरे पंडा जी, जी ये तो बहुत बड़ी बीमारी है, है? ये बहुत बड़ी बीमारी है। मजाक कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, ये बीमारी ना ये बीमारी पहले यहाँ होती है। हाँ यही तो होती है, घुटनों में। हाँ घुटनों में होती है, और घुटनों में धीरे धीरे चलते 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 कमर तक पहुँचती है, और फिर कमर से चलते 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 सीने तक पहुँचती है, और सीने से सीधा सर पे, और तू है इंसान खत्म 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 बिल्कुल खत्म। और ये बहुत बड़ी बीमारी है, इस बीमारी का नाम पता है तुम्हें? नहीं। मद्यतम पादतम अरे मैं तो इनको बेवकूफ बना रहा था, मेरे को ही बनाने लगे। डॉक्टर साहब आपको इलाज दिलाते हैं, दत्तो उधर सीसी पड़ी है अंदर, क्या निकाल के लिया? डॉक्टर साहब बहुत ही बेहतरीन इलाज है, बेहतरीन इलाज है, बेहतरीन, जिसने भी चखा है ना आज तक हमारी तारीफ करता है। अच्छा जी, हाँ जी, पहले आज की तारीख 4 सितंबर है। 4 सितंबर है जी? हाँ। तो दवाई ला के दिखाइए मुझे। अरे जल्दी ले सकते हो, ला रहे मिल के दवाई, आ जा आ जा। डॉक्टर साहब ये दवाई ऐसी है आपको ना आंखें बंद करनी पड़ेगी, इसके लिए आंखें बंद करनी पड़ेगी। हाँ, और आपको ना 1, 2, 3 भी बोलना पड़ेगा। अब 1, 2, 3 भी बोलना पड़ेगा? हाँ बोलना पड़ेगा। आंख बंद कर लो, आंखें बंद करो ना, ठीक है? आंखें बंद कर ली, ले आ दवाई। डॉक्टर साहब 1, 2, 3 बोल दो। 1, 2, 3 बोलो? हाँ जी। 1, 2, 3 कहना चाहेगा सर? इनको तो एक ही इंसान सुधार सकता है, वो है हमारी दिल्ली पुलिस, सदैव आपके साथ, सदैव हमारे लिए। अभी मैं दिल्ली पुलिस को बुला के लाता हूँ। अरे वो आपके लिए होगी, आपके साथ हमारे साथ नहीं है। अरे पुलिस ने क्या भाग ले, भाग कर उठा। अरे सुनो, पुलिस वाला आएगा ना उसको बताना था हम काम छिप कहाँ छिपे, ठीक है? बताओ तो नहीं ना हम जाए। अरे भाई मारा नाम से टेटा सिंह है, टेटा सिंह, और मारा नाम
कोचिंग इसलिए रखा क्योंकि वो जानती थी कि अब बड़ा होके टेटा काम सीधा करेगा। और अभी तक वो मुजरिम भी ना आया, चोरी के मामले में जो पकड़ा गया था, लगे आने वाला होगा। थोड़ा टाइम पास ही कर लेते हैं। अच्छा दिल्ला दिया उसने मेरे लाज का, अच्छा दिल्ला दिया उसने मेरे लाज का, कैसे दिए जीने और मारा है मुझे, अच्छा दिल्ला दिया उसने मेरे लाज का। अरे तू क्या कर रहा है, मुझको तो दर्द हो रहा है पर मार को तो खुशी मिल रही है, और तार को दर्द हो रहा है। एक काम कर, स्ट्रिंग ले और दर्द का तुरंत दिल्ली पुलिस का। अरे तो मैं के तार को कंडक्टर लग रहा हूँ, हवलदार सर। अरे हवलदार होगा तू, आई एम ए सी पी। सी पी? ए सी पी। ए सी पी साहब। हाँ ए सी पी साहब, मुझे बहुत मारा। तो मार खा के तो वही आवे जो चोर या डकैत होवे। अरे आप किधर तो ऐसे क्यों लिखा है, आप तो ऐसे क्यों है, आप मुझसे मजाक क्यों कर रहे हैं? अरे तेरे को दिखा दिखा हुआ। हाँ वो सब छोड़, पहले जरा दिखा कहाँ मारा तेरे को। अरे दिखा तो कहाँ मारा है। अरे भाई दिखाएगा ना तो इलाज कैसे करूँगा। हाथ नीचे, पहले आगे नीचे कीजिए, ये बात मैं नीचे करूंगा। एक काम कर, तू यहाँ पे चक्कर लगा और बोलता जाके एचएफओ साहब, एचएफ कहता है नाम जो, हां वही कहता बजे घूम। और सारे कदम रुके, हमारी गोली छुट्टी। हाथ नीचे, पहले ये नीचे कीजिए। डर है आप पता क्या हुआ, मुझे बहुत मारा। अरे किसने मारना? पंडा ने। अरे पंडा कौन है, कोई गुंडा गुंडा है क्या आपका? आप मेरी FIR लिखिए। ले भाई अपनी FIR लिख, जल्दी लिख अपनी। फिर क्या होता है? अरे फिर रिपोर्ट ही तो हो गए। अरे उससे रिपोर्ट फिर नहीं कहते, FIR कहते हैं। अरे तुमसे ज्यादा जा रहा है क्या तू? अरे खड़ा बैठ। पेन मिलेगा? अरे ये FIR लिखवाना है आगे, और पेन ना लाया। साहब दे दीजिए ना पेन। अरे भाई मार्केट से आता आता लिया था, इतना कितना महंगा है पेन। अरे मार मार के मेरे सारे पैसे छीन लिए, पैसे ही नहीं है। ये ले लिख, अगली बार से आए तो पेन लेकर आइयो। ठीक है चाचा साहब। अरे तारा बाप के क्या नाम है? बड़ी इलायची। और तारी माँ का क्या नाम है? छोटी इलायची। लॉन्ग है। अरे मैं चाचा साहब मुझसे की मजाक कर रहे हैं। अरे तू करे क्या है वैसे इस हालत में, आपको क्या लगता हूँ? अरे मारे को तो एक चोरी ला गए। मैंने यहाँ से चाचा डॉक्टर। अरे डॉक्टर जी माफ करना जरा, वह ये तो डॉक्टर निकला, मैंने सोचा आम आदमी, आम आदमी उसको तो मैसी लिखा दे, इसलिए तो डॉक्टर निकला, इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा, मदद करने से ऐसी थोड़ी। अरे भाई डॉक्टर साहब सुबह 9 o'clock अपने क्लिनिक में बैठा था, एक गोरी नाम की औरत आई मेरे पास और कहने लगी मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, मेरे साथ घर चलिए। अब उस टाइम तो मेरे पास टाइम था नहीं, तो मैं 3-4 घंटे बाद उसके घर गया। मुझे वहाँ पर एक आदमी मिला पंडा नाम का, और उसके साथ एक और आदमी था सत्तो साहब, जिसका नाम सत्तो था।
उन दोनों ने मुझे मारा पीटा और मेरे पैसे भी छीन लिए। अरे भाई वहां खड़ा हो जा, क्या घुसेगा नारे में? अरे काम कर, वो मेरे को लगे करी के वैसे वो दोनों इसे तो सब बांग घोटते हैं वो। अरे घर में ही बांग घोटते हैं, काम धंधा ना करेंगे ना? कोई काम धंधा नहीं करते वो अपने बच्चों को भी बांग बुलाते हैं सच्चो साहब। वो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम से भाई जाना ही पड़ेगा। एक काम कर सच्चो साहब, बोलिए मार को उनके घर ले चल। चलिए सच्चो साहब। अरे रो कम और आगे चल के रास्ता बताते पहले। अरे भारी का कल अरे पुलिस आ रही है घर। ये क्या बना लिया आपने हमको? ये बना लिया सुन जरा, पहुंच गया सारा प्लान। हां ठीक है, हां वो आने वाले हैं। हां तैयार हो जा, मरता 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 सुन, वो मरे नहीं की गोलियां खा के। पर सीसी का एक मिनट बेटे, हेलो सीसी समय पर जा तो काम के। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे आ रहे आ रहे आ रहे काम
करिए आप इन्हें पीने तो पी लीजिए ठीक है आप कहते मैं पी लेती हूँ अरे गरीब भार्गव के ज्यादा प्यास लग रही है पी लीजिए अरे नहीं हाजी ये तो गया अरे आपको कोई मदद मदद चाहिए हो तो बताइए हमें जी नहीं कोई मदद नहीं चाहिए बहुत शुक्रिया तो चाहिए ऐसे नहीं अरे ऐसे क्यों भगा रहे हो कोई मदद मदद पैसे वैसे कुछ भी दिक्कत हो आप अजी बेझिझक कहिए हम आपके ये अपने टेंशन ना लीजिए बस आप सही कह रहे हो ना आप थोड़ा रेस्ट कीजिए चाहिए ऐसे मैं बात तो गई हूँ जब पैसे वैसे चाहिए तो कोई दिक्कत ना पैसे पैसे कोई काम कीजिए आप 300-500 दे दीजिए आप हमारे पास तो 300 रुपये हैं आप 300 में जाइए शुक्रिया आज ये एक काम हो रहा है सिर्फ आप पुलिस स्टेशन आके साइन कर जाना हमें ये फाइल बंद करनी है जी ठीक है ठीक है जी ठीक है शुक्रिया जी अरे डॉक्टर ठीक है अरे 300 की बोली हो गई 300 रुपए 600 डॉक्टर से 300 से 900 रुपए अरे तो खूब पिएंगे जेल में मतलब हमारे बड़ों से माफी मांगते हैं आज के बाद घर में या बाहर
कभी ये भांग या कुछ भी कोई नशा नहीं करेंगे। छह सौ रुपए ये लो। अरे ये तो कितना है, 300 ही है तो? ये तो 100, 200, एक बार और गिन लेता हूँ। 100, 200, 300 है तो? अरे तो मैं क्या कहता हूँ, मैं तो पुलिस वाला हूँ, मैं तो नोट दूर से देख के बता देता हूँ कितने। 300 और है, ला के देता हूँ आपको। 300 तो है ये इसका कितना? 100, 100 और 100 रुपए के 5 घंटे थे। किसने सत्तों ने Thank you.